हाय गाइस, मैं हूँ मारावत और स्वागत है आपका अपने चैनल फूड्स लैब में। आज हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ एक टेस्टी सा नाश्ता, चटपटे चना दाल वड़े की रेसिपी। ये ऊपर से एकदम क्रिस्प और अंदर से एकदम मॉइस्ट होते हैं। ये खाने में इतने ज्यादा टेस्टी लगते हैं कि इन्हें बच्चे और बड़े दोनों पसंद करेंगे। तो गाइस, ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चना दाल वड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम चने की दाल ले लेंगे और इसे सोख करेंगे 2 घंटे के लिए। तो हमने यहाँ पर चने की दाल 1 कप ली है और इसे अच्छे से साफ कर लिया है और इसे शिफ्ट करेंगे एक बोल में। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इतना पानी हमें ऐड करना है ताकि ये अच्छे से डूब जाए। अब हम इसे कम से कम 2 घंटे के लिए भीगने देंगे। 2 घंटे में ये फूल कर सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं। चने की दाल को भीगते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। हमने इसको इसके पानी से अलग कर दिया है और 2-3 साफ पानी से इसे वॉश कर लिया है। अब ये फूल कर रेडी हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। इसको हम पीसेंगे, और अब इसे पीसने के लिए हमें एक मिक्सी का जार चाहिए होगा। तो हम एक बड़ा जार ले लेंगे मिक्सी का और इस दाल को उसमें शिफ्ट कर देंगे। दोस्तों, चना दाल वड़ा एक साउथ इंडियन डिश है, बट ये पूरे इंडिया में पॉपुलर है। इसे सभी लोग खाना पसंद करते हैं। जितनी शानदार ये डिश है, इसको बनाना भी उतना ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए, अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। इसमें हमने 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे हमने छील लिया है और पतले टुकड़ों में कट कर लिया है, और 3 हरी मिर्च को इसमें पीस लेंगे। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे कुछ करी पत्ते। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। करी पत्ता इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। इससे कलर और टेस्ट दोनों आएंगे। तो हम हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच डाल रहे हैं, 1/4 बड़ा चम्मच। और इसके साथ ही हम नमक ऐड कर देंगे, नमक स्वाद के अनुसार। इसमें आप करी पत्ता जितना पसंद करते हैं उतना ऐड कर सकते हैं, और तीखा भी अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, और इसका एक मोटा मोटा सा पेस्ट बना लेंगे, जिसमें चने की दाल के कुछ टुकड़े भी दिखें, ऐसे पीसना है आपको। तो हमारी चने की दाल पीस कर रेडी हो चुकी है। आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें कुछ चने के दाल के टुकड़े भी दिख रहे हैं, और इसमें इसका पेस्ट भी है। तो अब हम इसे एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। दाल के मिश्रण को हमने एक बोल में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें। तो हमने यहाँ पर 2 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट करके इसमें ऐड करने हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इन वड़ों में। अब हम ऐड कर देंगे 2 हरी कटी हुई मिर्च, और ये आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ कटे हुए करी पत्ते। इसके चंक्स मुंह में आएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वड़े। और अब हम कुछ हरी धनिया कट करके ऐड कर देंगे। इन वड़ों का टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए लास्ट में हम ऐड करेंगे चावल का आटा। चावल का आटा ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप इसमें 2 चम्मच के करीब चावल का आटा ज़रूर ऐड करें। अब इस वड़े के मिक्सचर में हम 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। इस तेल को ऐड करने से हमारे वड़े काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। अब इस मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि हम बना रहे हैं चने की दाल के वड़े, तो यहाँ पर हींग ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर 2 चुटकी के करीब हींग ऐड करेंगे। आप यहाँ पर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सौंफ। सौंफ का फ्लेवर इन वड़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप ये ट्राई करके देखिएगा, सौंफ ऐड करिएगा, जिससे हमारे जो चने के दाल के वड़े हैं ये और ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल होंगे। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एक प्लेट में बटर पेपर लगा लिया है, और वड़े बनाकर हम पहले इस पे रख लेंगे। वड़े इस पे निकालते टाइम चिपकेंगे नहीं, और वड़े बनाकर हम रखेंगे, उसके बाद डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए हम वड़े बना लेते हैं। वड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथ पर अपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि हमारे हाथों में वड़े का मिक्सचर चिपके नहीं। और अब स्पून से थोड़ा सा हम इस मिक्सचर का पार्ट ले लेंगे और इसे थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। आप इन वड़ों को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, पसंद के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा बना सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से बड़े वड़े बना रही हूँ, और ये देखिए इस तरीके से इन्हें बनाना है। और अब हम इसे इस बटर पेपर पे रख देंगे और दोबारा इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखें, इस तरीके से थोड़ा सा गोल करके फ्लैट कर देना है,
और ये बस बनकर रेडी हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होते हैं और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे, चूँकि हमारे बड़े सारे रेडी हो चुके हैं, ये देखें। तो इन्हें डीप फ्राई करने के लिए हम ऑयल चढ़ा देंगे कढ़ाई में, और ऑयल हमें अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद गैस फ्लेम सिम कर देनी है, उसके बाद ही हमें इसमें वड़े डालने हैं। तो आप देख सकते हैं बटर पेपर से वड़े उठाना कितना ईजी है। और इसी तरीके से अब हम इस तेल में इसे ऐड करते जाएँगे, और फ्लेम हमारी सिम रहेगी, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सिम फ्लेम में हमें इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रखना है, 5 मिनट तक इसे टच नहीं करना है। 5 मिनट के बाद ये वड़े ऊपर आ जाएंगे अपने आप, और उसके बाद हमें इसे फ्लिप करना है, दूसरी तरफ पलट देना है, ताकि ये इवेनली दोनों तरफ से पक सके। ये वड़े कुक होने में 8 से 10 मिनट लेते हैं, 8 मिनट तक हमें इसी तरीके से सेम फ्लेम में ही कुक करना है। उसके बाद लास्ट मिनट में हमें फ्लेम को हाई कर देना है, मीडियम टू हाई में इसे हम थोड़ा सा गोल्डन करेंगे, उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब ये वड़े पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, और इनका कलर भी चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और ये रेडी हैं। और आप इनको देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो दाल के छोटे टुकड़े हैं वो भी दिख रहे हैं, जो कि दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब हम इन्हें एक किचन टॉवल पेपर पे निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल ताकि एब्जॉर्ब हो सके उधर। और अब इसी तरीके से हम बाकी के वड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारे गर्मा गर्म चना दाल वड़े, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। ये जितना दिखने में शानदार हैं, इसको बनाना उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इन टेस्टी वड़ों को शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर अपने गेस्ट को इम्प्रेस कर सकते हैं। आप इसे अगर मानसून के सीज़न में बनाते हैं तो इसे खाने का मज़ा ही दोगुना हो जाता है। आपने इनकी क्रिस्पीनेस तो सुनी ली होगी, और ये अंदर से इतने ज़्यादा मॉइस्ट और ऊपर से क्रिस्पी, तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा टेस्टी बने होंगे। तो गाइज, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इसे सर्व करें किसी भी सॉस के साथ जो आपको पसंद हो। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी और रेसिपीज़ आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में एक घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।